माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और मैंने स्वयं बहुजन समाज पार्टी और उनकी नेता को ये जिम्मेवारी भरा चुनौती दी, उसका उत्तर वो नहीं दे पा रहे हैं कि जब ईवीएम 2007 में आपको सरकार में लाती है तो ईवीएम अच्छी, अखिलेश जी को 2012 में सरकार में लाती है तो ईवीएम अच्छी, आज मेरठ और अलीगढ़ में बसपा को लाई तो ईवीएम अच्छी, और 14 नगर निगम में बीजेपी आ गई तो ईवीएम खराब। तो चलिए मेरठ और अलीगढ़ में आप अपने त्यागपत्र दिला दीजिए, हम भी निर्वाचन आयोग को लिखते हैं, आप भी लिखिए, एक बार मतपत्र से पुनः चुनाव हो जाए, जनता फैसला कर ले, तो इस पर पीछे हट जा रही हो। राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के आस्था और श्रद्धा का विषय है और भारतीय जनता पार्टी का ही स्टैंड राम मंदिर पर बिल्कुल शुरू से क्लियर है। राम मंदिर के लिए 1989 में भारतीय जनता पार्टी ने पालमपुर हिमाचल प्रदेश में पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पारित प्रस्ताव राम मंदिर निर्माण के समर्थन में उस पर आज भी कायम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा कानून सम्मत रास्ते से मंदिर बने इसकी पक्षधर है। कानून सम्मत रास्ते में एक रास्ता यह भी है कि उच्च न्यायालय ने लगभग पूरी तरह राम मंदिर के पक्ष में निर्णय दिया है, उस निर्णय की समीक्षा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, सुनवाई शुरू हो चुकी है, आशा करते हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कानून सम्मत रास्ते कहीं ना कहीं गुजरा देगा।